साबूदाना खिचड़ी हम सभी को बहुत पसंद आती है, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ आज क्विक और इजी साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी। माय नेम इज सुची एंड आई वेलकम यू टू माय मेसी किचन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द रेसिपी। तो साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1.5 कप साबूदाना, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो हमें उतना पानी ऐड करना है जितने में ये साबूदाना अच्छे से डिप हो जाए। तो मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है और फिर हम इसे अच्छे से सोक करने के लिए 6 to 7 hours के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 to 7 hours के बाद ये अच्छे से फूल गए हैं, और इसके बाद हम जितना भी एक्सेस वाटर होगा उसको एक स्ट्रेनर की मदद से ऐसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो कढ़ाई को हम गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 2 से 3 tablespoons ऑयल। उसके बाद डालेंगे हम इसमें 1 spoon जीरा, फिर डालेंगे इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्च और बारीक पिसा हुआ अदरक, और इस मिक्सर को हम अच्छे से मिला लेंगे और आंच को हम धीमे ही रखेंगे इस टाइम पे। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1 cup मूंगफली, और मूंगफली को भी हम अच्छे से धीमी आंच में भून लेंगे। तो ये मूंगफली हमारी हो गई है, और फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल रहे हैं कड़ी पत्ता। तो इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 आलू। तो आलू के जो पीसेस हैं वो मैंने छोटे रखे हैं ताकि उनको पकने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, फिर ऐड करेंगे चुटकी भर हल्दी। तो जो ये हल्दी है ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने हल्दी यहाँ पे इसलिए ऐड करी है क्योंकि हल्दी से जो रंग है वो बड़ा बढ़िया आता है। और फिर इसको ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो ढक्कन हटाने के बाद आप देख सकते हैं मेरे जो आलू हैं वो अच्छे से पक गए हैं। तो यहाँ पे मैं स्पैचुला की मदद से चेक कर रही हूँ कि मेरे आलू पके हैं या नहीं पके हैं, तो आप लोग भी बीच में ये चेक कर सकते हैं। तो अब जाएगा मेन इन्ग्रीडियंट जो कि है साबूदाना। तो यहाँ पे हम अच्छे से साबूदाने और मसालों को सबको मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और एक बढ़िया सा टेस्ट आए। तो ये यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया, अब इसको ढककर 2 मिनट तक पकाएंगे, और अब हम इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए से। तो हरे धनिए से जो खुशबू आती है बहुत बढ़िया आती है, और एक लास्ट स्टर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये साबूदाना की खिचड़ी बनी है, बिल्कुल भी चिपकी भी नहीं बनी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो चाहे ब्रेकफास्ट हो या स्नैक्स टाइम, आप कभी भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।